अपने लास्ट वीडियो में मैंने फिजिकल मैपिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन के साथ ये 5 पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज हम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन मैप्स क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्शन मैप्स किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के पीस में मौजूद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्लीवेज साइट्स यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट्स का विवरण होते हैं यानी डिस्क्रिप्शन होते हैं। ये हमें बताते हैं कि उन रिकॉग्निशन साइट्स की उस डीएनए से सीक्वेंस में क्या पोजीशन है और उनका कितना नंबर है। जो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग की टेक्निक है उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक उपकरण की तरह यूज़ किया जाता है, एज अ टूल यूज़ किया जाता है टू जनरेट रिस्ट्रिक्शन मैप्स। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सबसे पहले जानते हैं ये क्या होती हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहले पहचानती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं और फिर डीएनए मॉलिक्यूल को कट करती हैं, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कैंची भी कहा जाता है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 3 तरह की होती हैं, जिसमें कि टाइप 1 और टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट के बाहर कट करती है और टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट पे कट करती है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शन मैपिंग क्या है। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग वो टेक्निक है या वो मेथड है जिसमें कि किसी भी डीएनए सीक्वेंस को पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है और कट करने के बाद जो उसके फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं यानी कि उसके जो टुकड़े जनरेट होते हैं उनको एनालाइज यानी उनको विश्लेषण करने के बाद ये निर्धारित किया जाता है, ये डिटरमाइन किया जाता है कि रिकॉग्निशन साइट की क्या पोजीशन होगी यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट की क्या पोजीशन है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन मैप्स हैं इनको मेनली यूज़ किया जाता है इंजीनियर करने के लिए प्लाज्मिड्स को या फिर बहुत छोटे पीसेज ऑफ डीएनए को। बड़े जो डीएनए के जीनोमिक डीएनए के बड़े सीक्वेंसेस हैं उनको ये रिस्ट्रिक्शन मैप से इंजीनियर करने के लिए कम यूज़ किया जाता है। जनरली जो बड़े सीक्वेंस हैं उनकी मैपिंग होती है ट्रांसडक्शन के द्वारा। अब जो हमारी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग है उसकी 2 अप्रोचेज हैं, 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहले तो कि हम पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का सीक्वेंस जान लें सीक्वेंसिंग के द्वारा, और सीक्वेंसिंग के द्वारा सीक्वेंस जानने के बाद उस सीक्वेंस को फीड कर दें कंप्यूटर प्रोग्राम में जो कि हमें बताएगा कि उसमें कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट प्रेजेंट हैं यानी मौजूद हैं। दूसरा अप्रोच क्या होगा कि हम उस डीएनए के मॉलिक्यूल को पहले एक सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करें, उसके बाद किसी और सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करें और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन यानी डबल रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करें और फिर जो उसके टुकड़े बनते हैं उन टुकड़ों को विश्लेषण करके हम ये निर्धारित करें कि उन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं उनकी क्या साइट रिकॉग्निशन साइट या क्लीवेज साइट है डीएनए मॉलिक्यूल में। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट अप्रोच है वो एक्सपेंसिव है, महंगा है और कम्बरसम है यानी कि बहुत मेहनत लगती है सीक्वेंसिंग के प्रोसेस को करने में और टाइम टेकिंग भी है, तो इसलिए हम जनरली जो हमारे प्लाज्मिड्स हैं या शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए हैं उनको हम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग करते हैं सेकेंड अप्रोच से। जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है जिसकी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग होती है वो खाली एक सीक्वेंस डीएनए का नहीं होता बल्कि वो एक इंसर्ट होता है प्लाज्मिड में या फिर बैक्टीरियोफेज वेक्टर में, जिसमें कि हमें ये जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज वेक्टर है उसका सीक्वेंस पहले से मालूम रहता है और ये जो वेक्टर है जहाँ पे ये इंसर्ट हुआ होता है इस वेक्टर के साथ वहाँ उस इंसर्ट के दोनों साइड पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी मौजूद होती हैं जो कि हेल्प करती हैं रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में। तो ये था हमारा रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का इंट्रोडक्शन। अब हम जानते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के। सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इसमें हम डीएनए सीक्वेंस को पहले इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट ट्रीटमेंट करते हैं, यानी यहाँ पे हमने 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया है, HIND3 और BAM-H1 से। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको ट्रीट करते हैं, तो BAM-H1 और HIND3 के कॉम्बिनेशन से हमने उसको ट्रीटमेंट किया। इसमें जो एंजाइम्स मोस्टली यूज़ होती हैं वो वाली एंजाइम्स यूज़ होती हैं जिनकी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट ना हो डीएनए के सीक्वेंस में,
और 6 बेस पेयर की मोस्टली रेस्ट्रिक्शन साइट हो ऐसी एंजाइम्स यूज़ होती हैं। और जो डबल डाइजेशन है यानी कि कम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स से जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि दोनों एंजाइम्स का पीएच या और Mg2+ का कंसंट्रेशन का जो रिक्वायरमेंट हो वो सिमिलर हो, और अगर सिमिलर नहीं है तो इस प्रोसेस को फिर हम 2 स्टेप्स में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमारे ये सैंपल्स, 4 सैंपल्स तैयार हो गए, इनको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में के इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में रन किया। जनरली एग्रोज जेल इसमें यूज़ होता है। और जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक प्रोसेस या एक टेक्निक है जिसके द्वारा डीएनए को सेपरेट किया जाता है उसके साइज़ और मास के बेसिस पे। इसमें जो डीएनए का साइज़ है उसको मेज़र करते हैं डीएनए लैडर्स से। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम स्केल यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। डीएनए लैडर्स साइज़ मार्कर की तरह एक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फिर हम इस जेल को विजुलाइज करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी और फ्लोरेसेंस के द्वारा। इस तरह का हमें जेल मिल जाता है जिसमें हमारे पहले वेल में लेडर लोड किया था, सेकेंड वेल में हमने HIND-3 एंजाइम लोड किया था जिसमें कि हमें 2.8 KB और 1.2 KB का 2 फ्रेगमेंट्स मिले। सेकेंड में हमने BAM-H1 को लोड किया था जिसमें हमें 3 फ्रेगमेंट्स मिले, 1.8 KB, 1.3 KB और 0.9 KB। थर्ड में हमने HIND-3 और BAM-H1 का कॉम्बिनेशन रखा था जिसमें हमें 1.8 KB, 1.9 और 0.3 KB के 4 फ्रेगमेंट्स मिले। और चौथे वेल में हमने प्यूरिफाइड डीएनए लोड किया था जिसमें हमें 1 फ्रेगमेंट मिला 4 KB का। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है रेस्ट्रिक्शन मैप का कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो हम हर लेन के फ्रेगमेंट्स को एडअप करेंगे और वो एडअप होके 4 KB यानी प्यूरिफाइड डीएनए के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे हमने किसी फ्रेगमेंट को या किसी छोटे फ्रेगमेंट को मिस कर दिया है, तो हमारा फिर हमें दोबारा से इलेक्ट्रोफोरेसिस करके चेक करना चाहिए। उसके बाद हम इन सभी फ्रेगमेंट्स के साइज़ को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद इनमें इस 4 KB के डीएनए फ्रेगमेंट में रेस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन को निर्धारित करेंगे यानी डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले HIND-3 में हमारे पास 2 फ्रेगमेंट्स थे 2.8 और 1.2 KB के, तो हमने 0 to 4 KB का एक फ्रेगमेंट सबसे पहले प्यूरिफाइड डीएनए देखा जिसमें हमने 2 फ्रेगमेंट जनरेट किए 2.8 और 1.2 KB के। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दोनों के कॉम्बिनेशन होने के बाद 4 फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो जिसमें 1.8 और 1 ये मिला के 2.8 KB बन रहा है और 0.9 और 0.3 ये मिला करके कितना बन रहा है 1.2। तो हमने ये जो 2.8 वाले फ्रेगमेंट थे इसको 1.8 और 1 में ब्रेक कर दिया और ये इसके बाद जो बचा हुआ फ्रेगमेंट था उसको 0.3 और 0.9 में ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी एंजाइम्स को मैप किया। सबसे पहले BAM-H1 की साइट से 1.8 KB की एक फ्रेगमेंट, ये जो BAM-H1 का है फर्स्ट फ्रेगमेंट ये जनरेट होगा। फिर BAM-H1 और HIND-3 की वजह से एक 1 KB का फ्रेगमेंट जनरेट होगा। फिर HIND-3 की साइट से BAM-H1 की साइट पे 0.3 KB का एक फ्रेगमेंट जनरेट हो रहा है। और फिर BAM-H1 में देखिए यहाँ पे आपके पास एक 0.9 KB का भी डीएनए जनरेट हो रहा है। वो इस तरह से हमारे पास फ्रेगमेंट जनरेट होंगे। तो इस तरह से हम रेस्ट्रिक्शन मैपिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के स्टेप्स थे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि हम इसके द्वारा ये जान सकते हैं कि जो हमने डीएनए इंसर्ट किया है अपने प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज वेक्टर में उसका साइज़ क्या है और उसका ओरिएंटेशन क्या है। तो इसको इसका क्या ओरिएंटेशन है इसको किस तरह से जानेंगे हम, जैसे कि हमारे पास एक डीएनए का फ्रेगमेंट है 8 KB का जिसमें कि हमने 3 KB का इंसर्ट किया है और 5 KB हमारा वेक्टर का बैकबोन है। इसमें EcoR1 जो एंजाइम है वो 2 फ्रेगमेंट जनरेट करता है 3 KB और 5 KB के, और HIND-3 जो एंजाइम है वो 2 KB और 6 KB का फ्रेगमेंट जनरेट करता है। और जो HIND-3 एंजाइम है वो इंसर्ट को कहीं पे कट करता है, ये भी हमें इसमें गिवन है।
अब जो हमारा इको R1 है और हिंट 3 है, जब इनसे हमने डाइजेस्ट किया तो हमें तीन फ्रेगमेंट्स मिले, 2 KB, 1 KB और 5 KB। तो इससे हम इन सब चीज़ों से हमने ये इन्फ्रेंस निकाला कि जो इको R1 है वो जो हमारे इंसर्ट को दोनों साइड से उसकी साइट्स प्रेजेंट हैं, इंसर्ट जहाँ पे हुआ है उसके दोनों एंड्स पे इको R1 की साइट प्रेजेंट है, और हिंड 3 की साइट एक एंड पे प्रेजेंट है और दूसरी हिंड 3 की साइट 2 KB जो इंसर्ट है उसके बाद पे कट करती है। ठीक है, तो इसी के कारण हमें जो एक फ्रेगमेंट हिंड 3 से मिल रहा है 2 KB का, वो है किसका, इंसर्ट का, और जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन हिंट 3 से मिल रहा है 6 KB का, जिसमें 1 KB इंसर्ट है और बाकी जो है वो वेक्टर की बैकबोन है। अगर हमारा A to B ओरिएंटेशन नहीं है जीन क्लोनिंग के दौरान, मान लो कभी इंसर्ट की ओरिएंटेशन चेंज हो गई, A to B की बजाय B to A हो गई, तो क्या होगा, जो हमारी हिंट 3 की साइट है कटिंग साइट वो चेंज हो जाएगी और हिंट 3 से हमें जो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे वो होंगे 1 KB के, क्योंकि ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1 KB का और 7 KB का दो फ्रेगमेंट्स हमें मिलेंगे। तो इस तरह से हम जान सकते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के द्वारा कि हमारे जीन की क्लोनिंग के दौरान कहीं ओरिएंटेशन चेंज तो नहीं हो गई है, तो हम चेक कर सकते हैं इसको। दूसरा हमारा रेस्ट्रिक्शन मैपिंग यूज़ होता है म्यूटेशन की स्टडीज़ में और जीन के किसी पार्ट को रिमूव करने में। जब हमें रेस्ट्रिक्शन मैप अवेलेबल होगा तभी हम ये जान पाएंगे कि कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस जीन को रिमूव या ऐड करने में यूज़ हो सकती है, तो तभी हम उसको रिमूव या ऐड कर सकते हैं। और म्यूटेशन यानी कि कोई अगर जीन में चेंज हुआ है तो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट है वो चेंज हो जाएगी, इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। जो फिफ्थ एप्लीकेशन है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का, वो ये है कि अगर हमने कोई भी जीन इंसर्ट करके हमने सिक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा है, तो जब हमें वो लैब से वापस आता है तो भी हम रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के द्वारा ये जान सकते हैं कि हमारा जो इंसर्ट वापस आया है आफ्टर सिक्वेंसिंग वो एग्जैक्टली वही सीक्वेंस है, वही इंसर्ट है और एग्जैक्टली वही क्लोन है या फिर नहीं, इसको हम चेक कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के द्वारा। इसके बाद जानते हैं कि लिमिटेशंस क्या होती हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग की। सबसे पहली लिमिटेशन जो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग की है कि हम वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर सकते हैं जो कि जिनकी की कटिंग साइट्स यानी क्लीवेज साइट्स कम हो DNA के सीक्वेंस में। अगर उनकी क्लीवेज साइट्स ज़्यादा होंगी तो जो रिजल्ट आएंगे वो अस्पष्ट हो जाएंगे, यानी स्पष्ट नहीं रहेंगे, एम्बिगुअस हो जाएंगे। इसको हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं मोस्टली बाय पार्शियल डाइजेशन, यानी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करते, कुछ ही क्लीवेज साइट पर क्लीव कर पाती है एंजाइम, उस वहीं पे हम उसको डाइजेशन को स्टॉप कर देते हैं। दूसरा इसका लिमिटेशन है कि जो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग है वो हमेशा एप्लीकेबल होती है स्मॉलर DNA मॉलिक्यूल्स में। जनरली जो है 50 KB लेंथ का जो DNA मॉलिक्यूल होता है उसमें 6 बेस पेयर की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ होती हैं मैप को जनरेट करने के लिए, जिनकी की रिकॉग्निशन साइट्स 6 बेस पेयर लॉन्ग होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, यानी कि लार्जर DNA मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करने के लिए, रेयर कटर्स का यूज़ होता है। ये वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिनमें 6 से 8 बेस पेयर की रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारा रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का चैप्टर एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिश और STS मैपिंग को एक्सप्लेन करूँगी, और क्योंकि फिजिकल मैपिंग का चैप्टर मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया है तो उसका भी अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा वीडियो का इस आज के अभी इस वीडियो के एंड में। अच्छा, मैं जैसे कि हमेशा आपसे कहती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।